तो यार आज हम इंटरनेट वर्ल्ड के ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसके प्ले स्टोर पर बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, मतलब लगभग 100 मिलियंस के करीब डाउनलोड्स हैं। उसी प्राणी के बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यार सबसे पहले यार ये टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, लुक समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैं पहनता हूँ शर्ट्स। उसके बाद आई थिंक मुझे पहनना चाहिए ब्लैक, इट्स रियली कूल। तो हाँ अब शुरू करते हैं आज की बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरे शो का नाम था द बकवास शो, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा यार चेंज कर देते हैं। तो मैंने सोचा यार जो मेरे इस चैनल का पहला नाम था टेड टॉक बी एस, नॉट टेक, टेड टी ई डी, टेड टॉक बी एस, उस नाम को मैं रखने वाला हूँ अब अपने शो का नाम, टेड टॉक बी एस। ठीक है, टेड टॉक बी एस में तो समझ गए। तो यार अब भी सर्च करना तो टेड टॉक बी एस ही सर्च करना। तो अब शुरू करते हैं अपने प्राणी के बारे में, जितने भी बातें हैं, जितनी भी कमियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उस प्राणी के नाम का खुलासा कर लेते हैं। तो ये प्राणी बिलोंग करता है एप्स की प्रजाति से, एप्लीकेशंस की प्रजाति से, इंटरनेट वर्ल्ड पे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबका बाप है ये। ये बहुत टॉप पे 100 मिलियंस डाउनलोड्स हैं इसके, यूजर्स मतलब जितने भी इंडिया बाहर कहीं भी जितने भी लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इस ऐप को यूज़ करते हैं और मतलब दिन भर लगे रहते हैं इस ऐप की वजह से। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बहुत लोग इस ऐप की वजह से परेशान रहते हैं, बहुत लोगों के लिए बेहतर है, कुछ लोगों को बहुत काम आता है और मेरे भी बहुत काम आता है क्योंकि मैं खुद इस ऐप की यूज़ करता हूँ। तो बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो सबसे पहले ये ऐप ठीक है यार, सब ठीक है। तो इसका नाम मैं खुलासा कर देता हूँ उस प्राणी के बारे में, ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों से, सभी से जो भी हैं। तो व्हाट्सएप के बारे में बात करने से पहले आपके माइंड में बहुत सारी मतलब जो भी चीज़ें हैं आपकी मतलब जिससे आप परेशान होते हो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन में कुछ बहुत अजीबोगरीब प्राणी पैदा होते रहते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग भेजने वाले। मतलब क्या है यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट, दिनों रात गुड मॉर्निंग गुड नाइट, सुबह उठो गुड मॉर्निंग मैसेज, कौन बनाता है इन गुड मॉर्निंग मैसेजेस को, कौन डिज़ाइन करता है, किसके पास इतना खाली टाइम है वो मिले ना मुझे, मैं उसके साथ क्या करूँगा। कुछ ऐसा तो छोड़े यार, तो अब बात करते हैं यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक सेकेंड, इन लोगों के मैसेजेस जो होते हैं वो ऐसे आते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। पक गया हूँ यार इन सब से और आशा करते हैं आप भी पक गए होंगे इन सब चीजों से। ढूंढो उन प्राणियों को जो बैठ के बनाते हैं इस मैसेज को, अच्छा वाला वॉलपेपर डिजाइन करते हैं, उस पर लिखते हैं गुड मॉर्निंग गुड नाइट और भेजते भी हैं। क्यों भेजते हो, क्यों भेजते हो, तरस आता है उनकी खाली जिंदगी में, उनकी खाली जिंदगी के ऊपर तरस आता है मुझे, इतने खाली क्यों हैं वो लोग। चलो वो तो ठीक है गुड मॉर्निंग गुड नाइट तुमने लिख कर भेज दिया, किनारे करो उन लोगों को, हट। दूसरी बात करते हैं उन, मेरे मुंह से गालियां निकलती लेकिन मैं पब्लिक शो है दे नहीं सकता। अब दूसरी बात करते हैं उन प्राणियों के बारे में ये जो प्राणी है ना जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूं वो लोग गरीबों के कपिल शर्मा है। तो यार इन प्राणियों के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। क्या चल रहा है यार,
कोई समझाओ इन्हें, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मैं छोड़ दूंगा व्हाट्सएप को, कह रहे मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होता है। गलत करते हो यार, कौन बैठ के लिखता है इन सारे मैसेजेस को, कौन, आखिर कौन है वो जो बैठ के लिखता है, सुबह सुबह सुप्रभात करके अच्छी अच्छी नाइलें लिख के भेज देता है। आई ओह हे भगवान, कोई बचा ले मुझे। तो यार मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे मानते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें ढूंढो, ढूंढ के लाओ मेरे पास, उन्हें ढूंढ के लाओ, मैं उन्हें गोलियों से भूनूंगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ यार, खोज के लाओ उन सभी को, क्योंकि वो बहुत गलत करते हैं। उन्हें समझाओ, उन्हें मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, आज के बाद से अगर करते हैं तो उन्हें उन्हें पकड़ के लाओ, खींच के लाओ, कहीं से भी ऐसा मत करो यार, ऐसे मैसेज मत भेजा करो। मतलब कौन पढ़ता है, अगर व्हाट्सएप में ऐसा कुछ होता ना, स्लाइड स्लाइड स्लाइड, तो मैं स्लाइड कर देता सब, कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं पढ़ता। मतलब मत करो ऐसा, कोई नहीं पढ़ता तुम्हारे मैसेजेस, और सुप्रभात गुड मॉर्निंग ये सब मत भेजो। और कुछ खाली लोगों के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ, खाली लोग जैसे कि उनके लाइफ में कुछ नहीं होता, एक ग्रुप बनाते हैं मस्ती जाते, मस्ती के दीवाने बॉयज, देसी रॉक्स, गोरखपुरिया देसी मुंडे, क्या है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मतलब क्या कर रहे हो यार, ऐसे ग्रुप्स बनाते हो उसमें 700-800 मैसेजेस, कोई मतलब 800 मैसेजेस, ओह माय गॉड, सुबह सुबह उठ के जब ओपन करो तो 800-900 मैसेज, लेफ्ट करो तो ट्रोल करते हो, उसके बाद यार तुम लोग फिर ऐड करते हो, ऐड करके फिर ऐड मैसेजेस करते हो, मैसेज खेल के पूरा मेमोरी फुल कर देते हो यार। और मान लो कुछ महीनों बाद शांत भी हो जाते हैं तो मैसेज आता है, कोई अजीब सा प्राणी मैसेज करता है कि सारे ग्रुप वालों कहाँ हो, मर तो नहीं गए, ग्रुप के सभी मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि अगर वो सभी यहां पे उपस्थित नहीं हुए तो उनके अकाउंट से उनकी सैलरी काट ली जाएगी। एडमिन का कच्चा बहुत ट्रोल, मतलब बड़ा ट्रेंड कर गया था, एडमिन का कच्चा, एडमिन के बच्चे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो ऐसा कच्चा जिसमें 1000 छेद होते हैं, वो वाला फ़ोटो उठाते हैं और डाल देते हैं, देखिए आज मैं एडमिन के घर के बाहर से गुजर रहा था और मुझे दिखा कि एडमिन का कच्चा जो है फैलाया गया है और सूख रहा है, ऐसा कुछ मैसेज करते हैं हम लोग, बहुत ट्रेंड जाता है। और व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप अगर ना, एक बात कहूँ, व्हाट्सएप अगर चैनल्स बनवाने लगे यूट्यूब की तरह, तो यार अभी भी गांव में चले जाइए तो यूट्यूब चैनल्स के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन व्हाट्सएप के बारे में सबको मालूम है। पुराना से पुराना इंसान एंटीक पीस भी बता देगा कि व्हाट्सएप क्या होता है। तो यार व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी भड़ास है मेरे अंदर, लेकिन यार आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं व्हाट्सएप के कई सारे एपिसोड लेके आऊँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे और ज़्यादा ठोकना है, व्हाट्सएप की वाट लगानी है मुझे यार, बहुत तंग करके रखा है व्हाट्सएप ने। तो यार अभी के लिए चलते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर नहीं पसंद आया तो मत सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारो, और यार अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके जाना, और अपना सभी लोग अपना ओपिनियन दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा है, और व्लॉग्स के लिए मैं ओपिनियन आपसे लेना चाहता हूँ कि मैं कैसे व्लॉग्स बनाऊँ, अगर व्लॉग्स, क्योंकि मेरा जो मेन प्रायोरिटी थी चैनल की वो व्लॉगिंग को लेकर ही थी, और मैं व्लॉग्स बनाना चाह रहा था, और आगे आने वाले टाइम में आपको व्लॉग्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो अभी तो टाइम पास चल रहा है एक तरह से। तो गाइस यार अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और हो सकता है कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूं, और एक ग्रुप भी बनाने वाला हूं अपने चैनल का। तो गाइस अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, नंबर छोड़ के जाओ कि हाँ मुझे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं ज़रूर 100 लोग होते ही मैं तुरंत बना दूँगा।
100 लोग होते ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। तो गाइज कमेंट करो, और यार अगर तो हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो मत करना यार सब्सक्राइब, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलता हूँ मैं, आपका वेश्यवर, आप देख रहे हैं वेस्ट ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है मेरा शो टेक टॉक VS, एंड ये मेरा पहला एपिसोड है। पहला वाला बकवास शो आया था लेकिन उसको किनारे करते हैं अभी, अभी से शुरू करते हैं क्योंकि वो बकवास नहीं था, अच्छी अच्छी बातें हो गई थी उसमें। तो ये टेक टॉक VS फर्स्ट एपिसोड, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।